नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जब हम लगातार किसी काम को करते रहें, उसमें एफर्ट करते रहें, तो उसमें हमें कामयाबी भी मिलती है, सक्सेस भी मिलती है। 1000 मील लंबी यात्रा भी एक एक कदम से पूरी होती है। अगर हम शुरुआत करें और शुरुआत के बाद लगातार उसमें लगे रहें, तो वो मंजिल आखिर हमें मिल ही जाती है। रूट काज है क्या हमारी सक्सेस और फेलियर के बीच में? हमारे छोटे छोटे चुनाव, हमारी आदतें, जो छोटे छोटे चुनाव हमने किए, जो छोटे छोटे डिसीजन हमने लिए, वो एक दिन बड़े बन जाते हैं। अच्छे डिसीजन अगर हमने लिए अपने जीवन में, तो वो हमारे सफलता में कारगर सिद्ध होते हैं। अगर हमने कोई बुरा चुनाव किया, यूँ मान लें कि कुछ बुरी आदत का हमने डिसीजन लिया, तो वो हमें फेलियर की तरफ आगे लेकर जाएगा। अब दो ऑप्शन हमारे सामने हमेशा मौजूद रहते हैं। एक महीने के लिए अगर हम बात करें कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक महीने के लिए आपको ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर आपको 1 रुपया डेली का मिलेगा और शर्त यह है कि वो हर दिन डबल होगा। दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको दिया जा रहा है 1 करोड़ रुपया। ये राशि थोड़ी सी कम है, बढ़ा देते हैं, नहीं 10 करोड़ रुपए। अब आपका चुनाव क्या होगा? आप कौन सा ऑप्शन का चुनाव करेंगे? शायद आप दूसरे ऑप्शन को चुने। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चुन लिया, और एक महीने बाद क्या सिचुएशन होगी, उसको हम अध्ययन करें या उसका हम मूल्यांकन करें। पहले दिन मेरे पास 1 रुपया, आपके पास 10 करोड़ रुपए। दूसरे दिन मेरे पास उसका डबल हुआ, मेरे पास 2 रुपए और आपके पास वही 10 करोड़ रुपए। और तीसरे दिन से आगे हम चलें तो 5वें दिन मेरे पास मात्र 12 रुपए, आपके पास वही 10 करोड़ रुपए। और 10वें दिन 512 रुपए, मेरे पास आपके पास 10 करोड़ रुपए। और 20वें दिन देखिए, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया, मेरे पास 5242 रुपए और आपके पास वही 10 करोड़ रुपए। अब देखिए फर्क 31वें दिन आया, 31वें दिन मेरे पास 107 करोड़ रुपए, आगे की डिजिट मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, आपके पास वही 10 करोड़ रुपए। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारी जिंदगी में कितना अहम रोल होता है। हम अगर किसी काम पर लगातार प्रयास करते रहें, उसको लगातार करते रहें, तो उसके हमें रिजल्ट मिलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम कंपाउंड इंटरेस्ट का उदाहरण आम जीवन में भी देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में एक ब्याज पर ली गई रकम कितनी भी हो सकती है, उसका ब्याज पहले दिन शायद बहुत ज़्यादा ना लगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसी ब्याज के कारण वह राशि डबल हो जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में जो हमने चुनाव किया, चाहे बुरे विचारों का हम चुनाव कर लें, बुरे विचार भी कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह लगातार बढ़ते जाते हैं, लगातार वो इंक्रीज होते जाते हैं। अगर हमने अच्छे विचारों का चुनाव किया, अच्छी आदतों का चुनाव किया, तो वो भी मल्टीप्लाई होती है चीज़ें। अब हम एक और उदाहरण से ये बात समझें। सोनू, मोनू और कालू 3 दोस्त हैं। सोनू ने नो चेंज का ऑप्शन चुना, लाइफ में कुछ बदलने का निश्चय नहीं किया। जैसी लाइफ चल रही थी वैसा ही चलने देने का निश्चय किया। थोड़ी बहुत राजनीति की या लोगों की आलोचना कर लेते हैं। और दूसरा दोस्त मोनू, उसने नेगेटिव चेंज का ऑप्शन चुना, लाइफ को और नेगेटिव वे में ले जाने का चुनाव किया। ये चुनाव हमारे
कई बार अनकॉन्शियसली भी होते हैं, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, फिर भी ये चुनाव हम कर लेते हैं क्योंकि हमारे हैबिट और पैटर्न वैसे बन चुके हैं। मोनू ने कुछ ज़्यादा खाने का, कुछ जंक फूड ज़्यादा खाने का निश्चय किया। अब थोड़ा सा गुस्सा पहले कर लिया करते थे, अब वो थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सा करने लगे। नशे की भी थोड़ी बहुत उन्हें लत थी, अब फिर उसमें उन्होंने मात्रा बढ़ा दी। और तीसरा दोस्त कालू, उसने लाइफ को बेटर वे में लेकर जाने का सोचा, पॉजिटिव चेंज का ऑप्शन चुनाव किया। अब देखिए, उन्होंने कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने का निश्चय किया, कुछ मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर ट्रेनिंग अटेंड करने का निश्चय किया और हर दिन सैर करने का भी निश्चय किया कि मैं अपनी शारीरिक हालत या स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसे और इम्प्रूव करूं और साथ के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए उन्होंने घर में क्वालिटी टाइम देने का सोचा। घर में बच्चों पत्नी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का निश्चय किया। अब देखिए, 5 महीने बाद कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया तीनों दोस्तों के जीवन में, 10 महीने बाद भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया, 20वें महीने बाद थोड़ा थोड़ा अंतर आना स्टार्ट हुआ। जो सोनू थोड़ी बहुत आलोचना किया करते थे, वो थोड़ी सी ज़्यादा आलोचना करने लग गए, थोड़ी सी परेशानी उनके जीवन में आनी स्टार्ट हो चुकी थी। और मोनू के जीवन में अब पहले से ज़्यादा परेशानियाँ आ चुकी थी, वो और ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और कालू, अब उनके जीवन में पॉजिटिव चेंज आने स्टार्ट हुए, उनका जीवन समृद्ध और खुशहाल बनना स्टार्ट हो चुका था। और 31वें महीने के आसपास खूब परिवर्तन देखने को मिले। सोनू के जीवन में अब खूब परेशानियाँ थी, वो अब बेचैन हो चुके थे। और मोनू का तो कहना ही क्या, उनकी ज़िंदगी वास्तव में परेशानी का कारण बन चुकी थी। ज़्यादा खाने और जंक फूड खाने के कारण उनका वज़न भी लगभग 10 से 15 किलो बढ़ चुका था। घर में गुस्सा करने से बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। बच्चों के साथ उसके रिलेशन अब बहुत खटास भरे हैं। आपस में रिश्तेदारों के साथ अनबन रहती है और ऑफिस में भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर बसर हो रही है, बस जैसे तैसे काम चल रहा है। आप देखिए, कालू जिन्होंने पॉजिटिव चेंज लाने का सोचा, अब उनकी जीवन की धार बन चुकी है, वो खुशहाल जीवन की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। घर में अच्छा टाइम देने के कारण बच्चों के साथ उनका रिलेशनशिप, पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा बन चुका है। मोटिवेशनल वीडियो लगातार सुनने के कारण उनकी जो मानसिक हालत है, मानसिक विचारधारा या उनका एटीट्यूड है, जो वो पॉजिटिव बन चुका है। और 10 पेज जो उन्होंने रोज़ पढ़ने का निश्चय किया था, उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी मोटिवेशनल बुक्स 31 महीने के अंदर पढ़ दी हैं। उनके पास काफ़ी पॉजिटिव ज्ञान इकट्ठा हो चुका है। ऑफिस के अंदर उनका सभी सम्मान करते हैं, उनके व्यवहार से सभी खुश हैं। तो आप देखिए, चुनाव हमारे हाथ में है, हम कैसा भी चुनाव कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें छोटी लग रही है, लेकिन जब लगातार करते हैं तो इनके कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में हमें चीज़ें अच्छी मिलती हैं। हम सुबह सुबह अगर कहीं जाना है, हम पैदल चलने का निश्चय कर सकते हैं, हम किसी साधन या व्हीकल का भी चुनाव कर सकते हैं। अगर हम एक दिन पैदल चलें तो कोई एक दिन के अंदर हमें कोई बहुत बड़ा फायदा नज़र नहीं आएगा। अगर एक दिन हम बाइक का इस्तेमाल करें या गाड़ी का इस्तेमाल करें तो हमारा स्वास्थ्य एकदम से ख़राब नहीं हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगातार महीनों साल ये प्रक्रिया चलती है तो एक दिन हमें रिजल्ट आते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर खरे क्यों नहीं उतर पाते हैं, हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते हैं, कमिटमेंट हमारा क्यों जवाब दे देता है, इसके पीछे कुछ कारण हैं, उन कारणों की चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव है, कोई आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, दिए गए फ़ोन नंबरों पर आप बात कर सकते हैं। आने वाला मोटिवेशनल वीडियो आपके
उस सवाल पर आधारित हो सकता है, आपके उस सुझाव पर आधारित हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।